हेलो एवरीवन, आज हम 8th ऑफ जून 2022 की सभी प्रोमिनेंट न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में जानेंगे, जो कि एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द हेडलाइंस। सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे कि आजकल हमारे देश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूज ऑरेंज अलर्ट फॉर सम ऑफ द नदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री ओवर द हीट वेव कंडीशन। अगली खबर का रुख करते हुए हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। 3 लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट इंक्लूडिंग 2 पाकिस्तानी वर एलिमिनेटेड बाई सिक्योरिटी फोर्सेज इन सेपरेट एनकाउंटर्स इन नॉर्थ कश्मीर। अब फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले रुपी की वैल्यू जानेंगे इन फ्रंट ऑफ US डॉलर। सो US डॉलर इज इक्वल टू 77.61 रुपीज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिव्यूड द प्रोग्रेस इन सेटिंग अप ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। इट इज़ अ स्पेशल पर्पज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द लार्ज वैल्यू NPA अकाउंट्स ओवर 500 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बैंक्स। अगली खबर की बात करेंगे। द वर्ल्ड बैंक ऑन ट्यूजडे कट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.5% फ्रॉम 8% एस्टिमेटेड अर्लियर इन अप्रैल। It cut the forecast due to heat winds from rising inflation, supply chain disruptions and geological tensions. अब डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। The Ministry of Defence has issued 3 separate notifications amending the rules of the Army, the Navy and the Air Force for the appointment of next Chief of the Defence Staff, CDS. Includes serving or retired 3-star Army Lieutenant General, Air Marshal and Vice Admiral for the post. Serving 3-star officers, Lieutenant General in Army, Air Marshal in Air Force and Vice Admiral in Navy or retired service chiefs or 3-star officers can be appointed CDS if considered necessary in public interest. अब international news की हम बात करते हैं। 3-nation tour of Vice President M. Venkaiah Naidu to Gabon, Senegal and Qatar ended as he has departed for New Delhi from Doha on 7th of June. अगली खबर की रुख करते हुए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ASA हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग ऑन ट्यूजडे ड्यूरिंग विच दे रिव्यूड द स्पेस कॉपरेशन एंड डिस्कस्ड पोटेंशियल एरियाज ऑफ वर्किंग टुगेदर। अब वर्ल्ड न्यूज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सेड ऑन ट्यूजडे दैट द कंट्री विल फाइट टू रिकवर ऑल इट्स टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाई रशियन फोर्सेज। अगली खबर का रुख करते हुए, वियतनाम्स हेल्थ मिनिस्टर नेग्यू एंड हनोई were sacked from their roles and arrested following accusations that they were involved in a COVID-19 test kit corruption scandal. अब स्पोर्ट्स जगत की हम बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, हरियाणा इज एट द टॉप इन द मेडल टैली विद 23 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 28 ब्रॉन्ज मेडल्स एंड हरियाणा इज वन अ टोटल ऑफ 72 मेडल्स टिल नाउ। तो धन्यवाद, यही थी आज की प्रोमिनेंट न्यूज़ हेडलाइंस। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी इन खबरों के बारे में क्या राय है।